राज कपूर साहब सचमुच के साहब थे, एक शानदार अभिनेता। एक दुनिया में उन्हें शोमैन से जाना जाता था। पृथ्वीराज कपूर के बेटे राज कपूर, ये जो घर देख रहे हैं बंगला चैंबूर में, इसी में वो रहा करते थे। यहीं पे उन्होंने कृष्णा राज से शादी किए थे। यहीं पे उनके 3 पुत्र पैदा हुए, 2 पुत्रियां पैदा हुई, रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, इसी बंगला में पैदा हुए। हालांकि इनकी एक प्रॉपर्टी बांद्रा पाली हिल में भी है, कृष्णा राज बंगला, फेमस बंगला, मगर उनकी एक जो घर है, ये बंगला चैंबूर का एक कर्म स्थली था। यहीं बगल में चैंबूर में 4 एकड़ जमीन लेकर करके आरके स्टूडियो, फिल्म एंड स्टूडियो बनाए थे। यहीं पे वो फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। ऐसे तो बहुत सारे फिल्मों में काम किए, पर उनके निर्देशित फिल्म आग से शुरू हुआ, जिसमें वो खुद निर्माता थे और खुद निर्देशक थे। नरगिस दत्त जी के साथ उनकी जोड़ी बहुत सुपरहिट हुई थी। उनका जो ये सैम्बुल है, उनके हाथों पे नरगिस दत्त गिरी हुई है, यह उनके हर फिल्मों में हमें दिखाई देता था। उनके द्वारा निर्देशित फिल्में, बेसिकली उनकी जो फिल्में होती थी वो प्रेम आधारित होती थी। चाहे आप देख लीजिए बरसात, चाहे जिस देश में गंगा बहती है, चाहे उनके निर्देशित फिल्में राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग, हीना, बॉबी, सब में प्रेम आधारित फिल्में बनाती थी। मार धाड़ उनको पसंद नहीं था, प्रेम पे आधारित फिल्में बनाते थे। और क्या गजब के फिल्म बनाते थे, हिट सुपर हिट फिल्म वो बनाते थे। सिर्फ एक जगह वो मार खा गए, मेरा नाम जोकर में। वो फिल्म थोड़ी नहीं चली, जबकि उन्होंने इसमें लाखों रुपया लगाए थे। उनके फिल्मों के काम करने के योगदान के कारण भारत सरकार ने उसे पद्म भूषित से सम्मानित किया। फिल्म इंडस्ट्री उन्हें दादा साहब फाल्के का अवार्ड मिला और सबसे सर्वोच्च अवार्ड उन्हें दिया गया। यार जिंदा दिल इंसान थे वो, शोमैन। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।